गुजरात दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गृहनगर वडनगर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने जनता को संबोधित भी किया, लेकिन लोगों के सामने बोलते बोलते पीएम इतने आक्रामक हो गए कि उन्होंने विपक्ष को भ्रष्टाचारी और चोर लुटेरे तक बना डाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सारे भ्रष्टाचारी और चोर लुटेरे मिलकर मेरे खिलाफ लामबंद होकर नए नए षड्यंत्र कर रहे हैं, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं है, क्योंकि जीत हमेशा ईमानदारी की ही होती है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पिछली सरकार के दौरान खुलेआम यूरिया की कालाबाजारी होती थी। इस पर मिलने वाले सब्सिडी का बेवजह फायदा केमिकल कंपनियां उठाती थी और यूरिया का सस्ते कच्चे माल के तौर पर उपयोग करती थी। किसानों को यह नहीं मिलता था और उन्हें इसके लिए लाइन में खड़े होकर पुलिस की लाठी खानी पड़ती थी, लेकिन किसी ने भी इसे रोकने की कोशिश नहीं की। पर अब हम लोगों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि लोगों को उनके पूरे अधिकार मिलेंगे। आपको बता दें कि संबोधन से पहले पीएम मोदी ने वडनगर में एक रोड शो भी किया, साथ ही हटकेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद पीएम ने अपने गांव के लोगों के लिए अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करने के साथ ही मिशन इंटेंसिफाई इंद्रधनुष को भी लॉन्च किया।